शाम ग्रोवर कंस्ट्रक्शन मेरठ, जमीन आपकी बनाने की जिम्मेदारी हमारी। आज हमें आ गया घर में जहाँ पर हमने टोटल इंटीरियर का काम यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो हमारा कल हैंड ओवर होना है। इसमें हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या चीज़ इसके अंदर प्लान की है, पीयू पॉलिश के साथ क्या किया है, बल्ला कैसे रेडी करा है, अलमारी में क्या क्या प्लान किया है, बेड और बेड का बैक पैनल हमने क्या प्रोविजन किया है, और बाथरूम में हमने इंटीरियर और प्लस माइनस का टाइल्स लगाई है एक नए पैटर्न में, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें नई प्लान की हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखें कितने प्यारे रेशे यहाँ पे टीक प्लाई के इस पूरे पल्ले पे आप देख सकते हैं, पॉलिश के साथ एक नए डिज़ाइन के साथ कितने प्यारे रेशे इस पूरे पल्ले पे आ रहे हैं, जो हमने बेडरूम के मेन एंट्रेंस पे प्लान किया है। इस पे टोटल पे हमने पीयू पॉलिश करके यहाँ पे दी है, और ये टोटल वी ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे इस टीक प्लाई को अच्छे रेशे के साथ, गाढ़े रेशे के साथ ये पूरा प्लान किया है। देखेंगे पूरे इंटीरियर एंटर होते ही हमने दो मिस्ट दी हैं, इसी के साथ हमने बेड दिया है। बेड के बाद आप टोटल की सीलिंग एक बार यदि नज़र मारेंगे तो पूरे पे प्रोफाइल लाइट के साथ हमने यहाँ पे सीलिंग का प्रोविज़न दिया है, और इसी के साथ हमारा बेड, बेड का बैक पैनल, और इसी के साथ हमारा आ जाता है पूरी अलमारी विद स्लाइडिंग डोर। अब हम बताएंगे इस अंदर में क्या क्या प्लान किया है। यहाँ पर हमने बेड लिया है, बेड पे हमने टोटल फोमिंग की है, कुशनिंग की है, पोसिस के ऊपर ही हमने पूरा फैब्रिक लगाया है। लगभग ये जो कपड़ा है यहाँ पर हमने लगभग 780 रुपये मीटर हमने यूज किया है। बेड के बैक साइड में पूरा SDMR से कवर करके लिए हमने पोसिस से प्लस माइनस में इसे प्लान किया है। इसी के साथ हमने इसके सेंटर में रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल यहाँ पे लगाई है। बेड के साइड में साइड स्टूल को हमने यहाँ पे हैंग किया है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल हैंडल लगा के ये पूरा स्लाइडिंग तोड़ दिया है। इसी के बैक साइड में हमने पूरी सीट लगाई है, एक्रेलिक सीट। इसी के साइड में हमने बिडिंग डाल के इस पर डी को पेंट करके यहाँ पे साइड पर दिया है। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बेड का बेड बैक पैनल के साथ, उसी के साथ प्रोफाइल, प्रोफाइल के साथ सीट, सीट के साथ डीको, और डीको के लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे पूरी प्रोफाइल लाइट में यहाँ हमने स्लाइडिंग डोर की अलमारी का और अलमीरा प्रोविजन की है। स्लाइडिंग डोर में भी सब सॉफ्ट क्लोज, ये सारा सॉफ्ट क्लोज हमने प्लान किया। जितने भी डोर्स हैं सब हमारे स्लाइड में भी सॉफ्ट क्लोज। जो माइका है ये हमारी PVC माइका डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन में हमने लगाई है, जहाँ ऊपर डार्क और नीचे डार्क देखिए चारों तरफ 6 इंची का पट्टा हमने प्लान किया है। इसी के सेंटर में हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल यहाँ पे लगा के साइड पे दी है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्लाइड डोर्स दिए हैं, जिसमें हमने लॉक का पोजिशन दिया है। इसी के नीचे हमने कुछ ओपन स्लाइडिंग्स दी हैं। क्या होता है, कुछ हमारी ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम जो हम ऐसा रखना चाहते हैं जो साथ के साथ हम देख पाते हैं, इसके लिए हमने ओपन स्लाइडिंग्स यहाँ पे दी हैं। यदि हम रूम का कॉम्बिनेशन देखेंगे डार्क और लाइट का, सीलिंग में प्रोफाइल का, इसी के साथ 15 वाट और 5 वाट की लाइट की प्रोविजन का, एक वॉर्म वाइट और वाइट कलर की लाइट का, तो देखें कितना प्यारा कॉम्बिनेशन इस साइड का हमने यहाँ पे कर दिया है। इसी के साथ बेड के सामने हमने स्टडी टेबल का प्रोविजन दिया है, जिसमें हमने सेल्फ दिया और सेल्फ में हमने कितना प्यारा कॉम्बिनेशन प्रोफाइल के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे पहले स्टेट था, मतलब यहाँ पे अलमारी थी, उस अलमारी को हटा के हमने यहाँ पे पूरे एल शेप में विंडो, सागवान की डोर्स, सागवान के डोर्स में पीयू पॉलिश यहाँ पे हमने करके दी है। सेंटर में ग्लास फिक्स है, राइट और लेफ्ट में हमने पूरे यहाँ पे पल्ले दिए हैं। इसी के साथ यहाँ पे अभी मिरर लगना है, मिरर बाकी है, राउंड मिरर यहाँ पे लगेगा। नीचे हमने सेल्फ दिया, और ये हमने पूरे ड्रेसिंग के लिए प्रोविजन दिया है, जिसके पीछे हमने ये पूरा चारकोल पैनल का प्लान किया है। चारकोल पैनल भी कहते हैं, रोबर्स का भी प्लान है। यहाँ पे देखेंगे कितना प्यारा कॉम्बिनेशन हमने बेडरूम के अंदर ग्लास के डोर्स दिए हैं। बेडरूम में ग्लास के डोर्स हैं जो वॉशरूम के लिए अटैच हो जाते हैं। पूरा हमने ये प्लाई के साथ टिक प्लाई लगा के पीयू पॉलिश करके पूरा पल्ला यहाँ हमने रेडी किया, जो चौकट हमने रेडी की है पूरी टिक प्लाई में रेडी की है, इसके ग्लास का डोर लगा रहा है। एंटर होते ही हमारी यहाँ पे सामने कैबिनेट आ जाता है। टाइल सारी 6x4 की हमने यहाँ पे लगाई है।
इसी के साथ हमारा काउंटर बेसिन और जैगुआर का बेसिन डायवर्टर यहाँ पे हमने प्लान किया है। इसी के साथ हमारा अटैच आ जाता है वॉल हैंगिंग शीट। वॉल हैंगिंग शीट पे भी आप देखेंगे टाइल्स का डार्क और लाइट का प्लस माइनस का कितना प्यारा कॉम्बिनेशन हमने इस साइड पे करके दिया है। वॉशरूम देखेंगे, वॉशरूम में हमारी 6x4 की टाइल्स कितना प्यारा लुक दे रही हैं। इसी के साथ लाइट और डार्क में हमने यहाँ पे टाइल्स लगाई हैं। सीलिंग देखेंगे, पूरी सीलिंग विद कोप लाइट और विद लाइट कंसील्ड लाइट हमने यहाँ प्लान किया है। बात करेंगे वॉल हैंगिंग सीट विद कंसील्ड सिस्टम की। वॉल हैंगिंग सीट जैगुआर, कंसील्ड सिस्टम जैगुआर का हमने प्लान किया है। देखें कितना प्यारा कॉम्बिनेशन इस पल्ले का, स्टाइल का और इस बेसिन काउंटर के साथ यहाँ पे हमारी साइट पे आ रहा है। ये हमने जो वॉल हैंगिंग शीट है और जो हमारा बेडिंग एरिया है, बेडिंग एरिया के बीच में ग्लास स्लाइडिंग का हमने प्रोविजन दिया है। ये आप देख सकते हैं ग्लास स्लाइडिंग का हमने प्रोविजन दिया है। और हमारा जो आगे सेटअप आ जाता है ये हमारा डायवर्टर आ जाता है, जैगुआर का डायवर्टर। डायवर्टर के नीचे स्पाउट और ये हमने शावर 12 इंच का शावर का प्लान किया है। साइड में हमारे कॉर्नर आ जाते हैं और इस हैंगिंग टाइल्स के लिए हमने यहाँ बोर्ड लगाए हैं। टोटल टाइल्स का कॉम्बिनेशन पूरी वॉल डार्क, इसी के साथ हमारा वॉल हैंगिंग सीट का नॉइज कर पाया जिसमें हमने टाइल्स का कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट का स्ट्रिप में पूरी टाइल्स का कॉम्बिनेशन टोटल सुपरवाइज किया गया सिविल इंजीनियर नितिन गोयल जी द्वारा। जैसे हम रूम से बाथरूम में एंटर करेंगे और बाथरूम से रूम में एंटर करेंगे तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कम ही मिल पाता है, जो हम आपको फिर से एक बार रिव्यू करा रहे हैं। शाम कृपा कंस्ट्रक्शन मेरठ। शाम कृपा कंस्ट्रक्शन मेरठ। अनदर बाथरूम, काउंटर टॉप के साथ जैगुआर डाइवर्टर, वॉल हैंगिंग शीट विद कंसील्ड सिस्टम जैगुआर का जो हमने प्लान किया है। देखें यहाँ भी कितना प्यारा कॉम्बिनेशन हमने प्लान किया है। नीचे हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट्स के साथ बैक साइड में हमने डार्क टाइल्स इटालियन लुक में टाइल दिए और साइड में हमने सेम कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट का यहाँ पर डाला है। टोटल इंटीरियर शाम कृपा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किया गया है सिविल इंजीनियर नितिन गोयल जी द्वारा, जो आपके सामने हैं, जो स्पीकर हैं आज। और ये टोटल इंटीरियर एक अच्छे मटेरियल के साथ हम मेरठ में प्रोवाइड कर रहे हैं। शाम कृपा कंस्ट्रक्शन एक मात्र ऐसी कंपनी है मेरठ के अंदर जो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। जितना भी घर के अंदर मटेरियल लग रहा है, चाहे हम स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे इंटीरियर की बात करें, चाहे हम किसी भी मटेरियल, चाहे वो एसी फिटिंग की बात हो, चाहे बेड की हो, चाहे बैक पैनल की हो, चाहे लोवर्स की हो, चाहे मार्बल की हो, किसी भी मटेरियल की हम साइड पे बात करें किसी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, मटेरियल से हमारा कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं होता है। परफेक्ट टीम ऑफ इंजीनियर हमने हायर की है जिनका काम ही क्वालिटी